टेंशन जो स्प्रिंग फाइंड करने वाले हैं, और इसके लिए हम लोगों ने क्या कर लिया, एक स्प्रिंग ले लिया, एक लाइट वेट स्प्रिंग ले लिया जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट हम मान लेंगे एक्सपोज करो के है। इसके एक एंड को हमने कनेक्ट कर दिया एक रिज्ड सपोर्ट के साथ और दूसरे एंड को कनेक्ट कर दिया एक बॉडी जिसका मास एम है उसके साथ। तो वही हम यहाँ पे लिखेंगे, लेट अस कंसीडर देयर इज अ स्प्रिंग, देयर इज ए लाइट वेट, बोल दो लाइट वेट स्प्रिंग हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट के, हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट के, ठीक है। ये भी हम लोगों ने फिर क्या किया, मैंने कहा कि इसका एक एंड जो है वो किससे कनेक्टेड है, एक रिजिड सपोर्ट के साथ कनेक्टेड है। वही लिखेंगे वन एंड ऑफ द स्प्रिंग, वन एंड ऑफ द स्प्रिंग, वन एंड ऑफ द स्प्रिंग इज कनेक्टेड टू द रिजिड सपोर्ट, टू द रिजिड सपोर्ट, और जो दूसरा एंड है एंड द अदर एंड वो कहाँ कनेक्ट किया है, इज कनेक्टेड या अटैच टू अ मास, टू अ बॉडी हैविंग मास एम, हैविंग मास एम, ठीक है जी। बड़ा सिंपल, कुछ भी नहीं किया अभी, एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, उसका एक एंड हमने रिजिड फोर्स का कनेक्ट कर दिया है और दूसरा एंड जो है वो बॉडी जिसका मास एम है उसके साथ हमने कनेक्टेड कर दिया है। अब देखो, किसी भी चीज़ में पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको फाइंड करनी है, मिलती कैसे पोटेंशियल एनर्जी किसी भी चीज़ में, है ना। जैसे मैंने आपको कहा था, आप अभी ग्राउंड फ्लोर में हो, है ना, अगर आप थोड़ी सी हाइट पे जाते हो तो तुमको पोटेंशियल एनर्जी मिलती है। तो ये मिलती कैसे है, वर्क करके, है ना, क्योंकि आप कुछ काम करते हो, है ना, आप उस हाइट तक जाने के लिए कुछ तो काम करोगे, तो वो जो काम होता है ना, वो जो वर्क होता है, वही वर्क फिर एज ए पोटेंशियल एनर्जी बन के आपकी बॉडी में स्टोर होता है। बिल्कुल इसी तरह से इस बॉडी को जो कनेक्टेड है किसके स्प्रिंग के साथ, इसको हम अगर हम इस कुछ अपनी ओरिजिनल पोजीशन से जब हम इसको पुल करेंगे, है ना, इसको डिफॉर्म करेंगे स्प्रिंग को, इसको यहाँ से यहाँ खींचूंगा तो ये जो स्प्रिंग है वो अपनी जगह से डिफॉर्म हो जाएगा, है ना। अभी ये इतना सा एक्सपेंड हुआ है, जबरदस्ती इसको खींचूंगा तो ज़्यादा एक्सपेंड हो जाएगा। अब जब ये ज़्यादा एक्सपेंड होगा, इसको यहाँ से यहाँ लाने के लिए कुछ तो काम करना पड़ेगा ना मुझे, वही वर्क, बेसिकली वही वर्क हमको निकालना है, क्योंकि वही वर्क एट द एंड ऑफ डे क्या बनेगा, वही वर्क फिर पोटेंशियल एनर्जी बन के इसी स्प्रिंग के अंदर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब वर्क निकालना पड़ना है। अच्छा, वर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो इसका मतलब अगर मैं इसको इसके ओरिजिनल पोजीशन से उठाता हूँ और इसको कहीं दूर लेके जाता हूँ तो चलो तुम्हें डिस्टेंस तो तुम्हें मिल ही रहा है। अब बात आती है फोर्स की, हमें फोर्स के वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पे कौन सी फोर्स लग रही है हमें वो देखना पड़ेगा। अब आपने इसको ऐसे करके रखा हुआ है, अब तुम खींच रहे हो तो तुम देख रहे हो, अगर तुम किसी एक स्प्रिंग को, ठीक है, इमेजिन करो थोड़ा सा, एक स्प्रिंग को अगर तुम डिफॉर्म करते हो तो उसके अंदर एक फोर्स लगती है जो वापस उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन तक पहुंचाने की कोशिश करती है। चाहे आप उसको कैसे भी डिफॉर्म करो, चाहे उसको एक्सपैंड करो, तब भी एक फोर्स लगेगी। क्या करने के लिए, आप उसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिस्टोर करने के लिए फोर्स लगेगी। आप उसको कंप्रेस करो जबरदस्ती, तब भी उस स्प्रिंग के अंदर एक फोर्स लगेगी जो उसको ओरिजिनल पोजीशन में उसको रिस्टोर करने वाली होगी। इसका मतलब इस फोर्स का नाम क्या होना चाहिए, रिस्टोरिंग फोर्स। इसका मतलब जब भी एक स्प्रिंग को अगर हम ओरिजिनल पोजीशन से इसको डिफॉर्म करेंगे तो उस स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो आती है, ठीक है जी। हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो उस रिस्टोरिंग फोर्स को निकालेंगे, क्योंकि वही रिस्टोरिंग फोर्स किसके लिए होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी किसके लिए, वर्क करने के लिए, है ना। वही रिस्टोरिंग फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगी किसके लिए, वर्क करने के लिए। तो वही हमें तो एंड क्या निकालना है, एंड में वर्क ही निकालना है, क्योंकि वर्क निकलेगा तभी तो पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी। इसीलिए सबसे पहले हमें किस पे काम करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें फोर्स पे काम करना पड़ेगा, मतलब सबसे पहले हमें फोर्स की बातचीत करनी पड़ेगी। तो देखो, अगर मैं इसको बॉडी जो जिसका मास है, मैं अगर, अच्छा एक चीज और सपोज कर लेते हैं, एक चीज और देखो, आप अगर एक पेंडुलम को भी देखोगे तो देखो वो इस तरह से एक पोजीशन में होता है, ठीक है। इसको अगर आप डिफॉर्म करो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से तो क्या करता है, ये इसकी मेन पोजीशन होती है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन, फिर ये वापस आता है क्या मेन पोजीशन पे पहुंचता है, नहीं, फिर ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन चला जाता है बिकॉज ऑफ द मोमेंटम। तो फिर इस तरह से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर जाता है, ड्यू टू एयर फ्रिक्शन धीरे 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 ये रुक जाता है ना। बिल्कुल सेम सिनेरियो इस केस में भी होने वाला है ना। कैसे, अगर स्प्रिंग से मैं इसको मास को दूर खींचूंगा, है ना, तो क्या होगा, ये स्प्रिंग डिफॉर्म होगा, डिफॉर्म होने की वजह से क्या लगने वाली है, रिस्टोरिंग फोर्स लगने वाली है। मान लो यहाँ पे मास इसको यहाँ तक खींच ले मैंने, अब ये स्प्रिंग के अंदर तो आ गई ना रिस्टोरिंग फोर्स, ये तो चाहता है कि वापस ओरिजिनल फोर्स अटेन हो जाए, तो छोड़ूंगा तो क्या होगा, ये वापस आएगा अपनी मेन पोजीशन पे, लेकिन क्योंकि इसके पास मोमेंटम होगा तो, और मास पे आके सस्पेंड किया हुआ है तो क्या होगा,
ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन तक चला जाएगा और इस तरह से थोड़ी देर ये इस तरह से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा, करेगा ना स्टार्ट, इस तरह से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा। तो इसका मतलब मान लो कि ये अगर मान लो अगर ये मेरी मेन पोजीशन है और ये एक मेरी एक्सट्रीम पोजीशन है, यहां तक भी जा सकता है और ये यहां तक भी जा सकता है, जा सकता है ना, यहां तक भी और यहां तक भी जा सकता है। ये जो ए से सी से लेके ए तक है ना, सी से लेके ए तक है, मान लो ये भी एक मेरी एक्सट्रीम पोजीशन है एट डिस्टेंस प्लस आर, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में आ रही है, और सी से लेके बी तक भी एक एक्सट्रीम पोजीशन है माइनस आर, क्योंकि ये वापस नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ प्रोसीड कर रही है। और सी क्या चीज है, सी है मीन पोजीशन, तो इसके बारे में थोड़ा लिखना पड़ेगा। क्या लिखूंगा मैं, लिखो लेट सी बी द मीन पोजीशन, ठीक है, ये मीन पोजीशन है एंड ए एंड बी आर द टू एक्सट्रीम पोजीशंस, ठीक है ना, ये एक्सट्रीम पोजीशंस हो गई है, एक्सट्रीम पोजीशंस, ठीक है जी, बड़ा सिंपल, हमने कुछ नहीं किया अब तक, सिर्फ ये बात की है कि भाई साहब सी जो है वो मेन पोजीशन है, ए जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन है और बी भी क्या है एक्सट्रीम पोजीशन। अगर मैं इस मास को कैसे भी करके ना पुल करके मैं ए तक पहुंचा दूंगा ना, तो वापस ये कहां तक जाएगा, बी तक जाएगा, और इस तरह से वाइब्रेट करता ही रहेगा जब तक फिर एयर की फ्रिक्शन की वजह से धीरे 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 ये रुक जाने वाला है। अब सपोज करो आपको क्या निकालनी है, हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क है पोटेंशियल एनर्जी को निकालना। वो पोटेंशियल एनर्जी हम कहीं भी निकाल सकते हैं, हम सी पे भी निकाल सकते हैं, हम ए पे भी निकाल सकते हैं। चलो एक काम करते हैं, हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं किसी पॉइंट पे, मान लो वो पॉइंट कौन सा है जहां निकालना चाहते हैं, मान लो वो पॉइंट है पी। चलो यहां तक फाइंड करते हैं कि यार अगर एक स्प्रिंग इस मास को अगर मैं खींच के इस पॉइंट पी तक लेके आता हूं तो ये कितनी पोटेंशियल एनर्जी गेन करता है, ठीक है। जैसे आप ग्राउंड फ्लोर पे हो तो आप चलो मान के चलो कि आप फर्स्ट फ्लोर तक जाते हो तो फिर आपके अंदर कोई पोटेंशियल एनर्जी आएगी, सेकंड फ्लोर पे जाते हो तो और ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी आएगी। तो चलो हम ये कह लेते हैं कि चलो फर्स्ट फ्लोर तक जाते जब जाओ पहुंचोगे तब कितनी पोटेंशियल एनर्जी आएगी उसको फाइंड करना है। तो सेम ही केस हुआ है ना, तो चलो पी तक पता करते हैं कि पी तक पहुंचने में क्या पोटेंशियल एनर्जी गेन कर लेगा। अच्छा पी तक जब पहुंचेगा, अब पी पॉइंट कहां है, पी पॉइंट में तो बताना पड़ेगा ना मुझे कि यार मेन पोजीशन से ये कितना डिस्टेंस पे है। मान लो पी एक पॉइंट है जो मेन पोजीशन से कितनी दूरी पे है, एक्स की दूरी पे है। तो यहां लिख दूं, लेट देयर इज अ पॉइंट पी, लेट तो लिखा हुआ है, देयर इज अ पॉइंट पी, ये कहां है पॉइंट पी बताना पड़ेगा ना, देयर इज अ पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम मेन पोजीशन, है ना, एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम मेन पोजीशन, एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम मेन पोजीशन, मेन पोजीशन सी, ठीक है। अच्छा करना क्या इस पॉइंट पे हमने, बताओ करना क्या इस पे हमने, इस पे हमें करना क्या है, इसी पे तो हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। वेयर पोटेंशियल एनर्जी हैज टू बी डिटरमिन, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हैज टू बी डिटरमिन, मतलब पूरी दास्तान यहां पे मैंने लिख दी कि भाई साहब हम करने क्या वाले हैं, है ना, वेयर पोटेंशियल एनर्जी हैज टू बी डिटरमिन। तो यहां पे हम क्या निकालने वाले हैं, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है जी। अच्छा अब मुझे बताओ अगर सपोज करो, ऐसे मान के चलो कि ये वही मास है छोटा सा, ये लो, ठीक है, सपोज करो अगर इस मास को मैं यहां तक लेके आ भी जाता हूं तो क्या यार इस मास को यहां तक लेके आऊंगा, जब मैं स्प्रिंग के साथ कनेक्ट करके इसको यहां तक लेके आऊंगा तो क्या इस पर रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लगेगी, लगेगी ना, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स इस पर लगनी है ना जब हम मास को खींच के इस पॉइंट पी तक लेके आएंगे, वो किस बात पर डिपेंड करती है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इसी डिस्टेंस के। जितना ज्यादा देखो तुम पेंडुलम को लेकर चलो, चलो सपोज कर लेते हैं इसको मैं यहां तक लेके आऊंगा तो ये वापस कहां तक जाएगा, यहीं तक जाएगा, यहां तक लेके जाऊंगा तो फिर यह वापस कहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा, है ना। इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है इसको, इसमें भी रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है ना, ये इसकी ये मेन पोजीशन है तो पेंडुलम अपनी मेन पोजीशन को अटेन करना चाहता है इसलिए एक रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है। आप देख रहे हो ये रिस्टोरिंग फोर्स किस पे डिपेंड कर रही है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मेन पोजीशन। आप मेन पोजीशन से इसको कितना हिलाते हो उतनी ही रिस्टोरिंग फोर्स लगने वाली है, कम हिलाते हो तो कम रिस्टोरिंग फोर्स, ज्यादा हिलाते हो तो ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स। सेम केस यहां पे भी है, आप स्प्रिंग से इसको कितना खींच रहे हो, अगर मैं थोड़ा सा हिलाऊंगा इसको तो वापस भी कितना जाएगा, थोड़ा सा जाएगा, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स कम लगनी है। अगर मैं ज्यादा ही खींच के लेके आता हूं यहां पे छोड़ता हूं तो ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स लगने वाली है। इसका मतलब वो जो रिस्टोरिंग फोर्स पॉइंट पी तक आनी है वो किस बात पे डिपेंड कर रही है, इट डिपेंड्स ऑन द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन, ठीक है। तो यहां लिखू नाउ द रिस्टोरिंग फोर्स, नाउ द रिस्टोरिंग फोर्स मान लो वो एफ है इज गिवन बाय एट पॉइंट पी, पी पॉइंट पे कितने लगेगी, एट पॉइंट पी इज गिवन बाय
बताओ कितनी लगेगी? एफ जो होगा वो डायरेक्टली, अगर वेक्टर फॉर्म में देखो तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? एक्स डिस्प्लेसमेंट। लेकिन माइनस डाला मैंने बीच में, क्यों बोलो क्यों डाला माइनस? माइनस यहां पे क्या बता रहा है? डायरेक्शन, आप धक्का लगा रहे हो इस डायरेक्शन में, नहीं आप इसको डिस्प्लेस कर रहे हो इस डायरेक्शन में, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है वो भी इसी तरफ लग रही है क्या? नहीं, वो तो स्प्रिंग को वापस कंप्रेस करेगी ना, तुम एक्सपैंड कर रहे हो, तो रिस्टोरिंग फोर्स चाहती है कि वापस कंप्रेस हो जाए और ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाए, ठीक है ना? तुम खींच रहे हो इस तरफ, तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट हो रही है इस तरफ, और रिस्टोरिंग फोर्स कहां लग रही है? इस तरफ। मेरे पास समझ रहे हो ना? तुम इसको खींच रहे हो यहां पे इधर, और अगर स्प्रिंग ने रिस्टोर होना है वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन को गेन करना, तो धक्का कहां लगना चाहिए? इधर लगना चाहिए ना। तो इसीलिए नेगेटिव साइन हमें सिर्फ और सिर्फ यह बता रहा है कि भाई साहब जो रिस्टोरिंग फोर्स है दैट इज, उसकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है इस डिस्प्लेसमेंट के। समझ आया? अगर अच्छा, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो ठीक है, चलो अच्छा इसको लिख लो एफ वेक्टर इज इक्वल टू, ऐसे इसको अगर प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाना है तो कोई ना कोई कांस्टेंट लिखना पड़ता है, और यहां पे क्या आएगा? के एक्स, और यहां माइनस आ जाएगा, है ना? व्हाट इज दिस के? दिस इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, ये हमने सपोज कर लिया था ना, स्प्रिंग कांस्टेंट है जिसका मैंने वाला था हैविंग स्प्रिंग कांस्टेंट, यहां पे भी लिख देना के, तो यही वो स्प्रिंग कांस्टेंट है। वेयर के इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, ये के क्या? स्प्रिंग कांस्टेंट है। ये डिपेंड करेगा स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब अपने स्प्रिंग के अपने नेचर में, बड़ा मोटी अगर आपने मोटा सा स्प्रिंग लिया होगा तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा स्टिफनेस होगी, है ना, पतला पतला सा लिया होगा तो कम होगी, यानी कि के उस पे डिपेंड करता था नेचर ऑफ द मटेरियल जिससे हमने स्प्रिंग बनाया है, ठीक है जी। अच्छा अब आगे की दास्तान बताओ, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं, डायरेक्शन की बात ना करूं, तो क्या होगा भाई? एफ किसके बराबर आ जाएगा? सिंपल, एफ इज इक्वल टू के एक्स। भाई माइनस साइन तो सिर्फ ये बता रहा था ना कि भाई साहब डायरेक्शन अपोजिट है, और थोड़ी कुछ बता रहा है वो, ये थोड़ी बोल रहा है कि माइनस का मतलब कम है जैसे बाकी मैथमेटिक्स में होता है, वो थोड़ी है, सिर्फ डायरेक्शन की बात कर रहा है। तो रिस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर आएगी? के एक्स के बराबर आ गई, सही है। तो यानी पॉइंट पी पे अगर इस मास को मैं लेके आता हूं तो यहां पर एक रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी, और वो रिस्टोरिंग फोर्स होगी एफ इजिकल टू के एक्स के बराबर, सही है ना? यहां तक समझ आ गया? अच्छा अब देखो यार, बेसिकली ना मुझे निकालना है वर्क। अब इतना बड़ा वर्क ना हम एकदम से नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है, ये नहीं कि यहां तक खींचा और निकालो वर्क, ऐसे नहीं कर सकते हम लोग। तो हमें क्या करना पड़ता है? हम निकालेंगे पहले छोटा सा वर्क डन, क्या निकालेंगे? छोटा सा वर्क डन, और उसी छोटे से वर्क डन को फिर बाद में इंटीग्रेट करके हम क्या कर लेंगे? पूरा वर्क डन निकालेंगे। वो छोटा सा वर्क डन निकालने के लिए क्या करूं? अगर इस मास को मान लो मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, कितना किया? बिल्कुल पी से मान लो इसमें क्यू पे गया, ठीक है, पी से मान लो मैं क्यू पॉइंट पे गया, और मैंने कितना सा डिस्प्लेस किया इसको? मान लो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दी मैंने dx, मान लो मैं इस मास को P से कहां तक जा रहा हूं? Q तक जा रहा हूं, और कितना सा डिस्प्लेस किया मैंने? बड़ा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया है, dx मतलब इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अब इतनी छोटी से जब डिस्प्लेसमेंट दूंगा तो काम कितना होगा? बड़ा छोटा सा काम होगा, ठीक है ना? तो यहां पे सपोज कर लूं, लेट द मास m इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम P टू Q थ्रू अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल इन्फाइनेटली स्मॉल भी लिख सकते हो तुम, बहुत छोटी सी इन्फाइनेटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, डिस्प्लेसमेंट dx, सही है कि मैंने मास m को डिस्प्लेस किया p से q तक, और ये डिस्प्लेसमेंट कितनी है भाई साहब? बहुत छोटी सी डिस्प्लेसमेंट। अब क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट बड़ी छोटी सी है, इसीलिए हम ये मान के चल सकते हैं कि जितनी रिस्टोरिंग फोर्स पॉइंट p पे है, जितनी रिस्टोरिंग फोर्स पॉइंट P पे है, एक्चुअली तो रिस्टोरिंग फोर्स बढ़नी चाहिए, आप अगर दूर लेके जाओगे तो रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू चेंज होनी चाहिए, ये तो ये बोल रहा है। लेकिन अगर मैं ये सपोज कर लेता हूं कि भाई साहब ये जो तुमने डिस्प्लेसमेंट की है ये बहुत 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 छोटी डिस्प्लेसमेंट की है, तो हम ये भी मान के चल सकते हैं कि ड्यूरिंग दिस कोर्स पी से क्यू तक जाने के लिए, पी से क्यू तक जो मूवमेंट हुई होगी उस समय जो फोर्स में चेंज आई होगी, या तुम कह सकते हो यार फोर्स सेम ही रही होगी, क्यों? क्योंकि यार सपोज कर लो ऐसे 4 न्यूटन की फोर्स लग रही है, अब तुमने पी से क्यू पड़ा छोटा सा डिस्टेंस मूव किया है, अब हो सकता है फोर्स कितनी लग रही हो? 4.00001, तो तुम यही कहोगे सर ये भी अभी 4 न्यूटन ही है, है ना? कुछ इस तरह का सिनेरियो है। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि पी से क्यू तक लाने में जो फोर्स की जो वैल्यू है फिलहाल वो कॉन्स्टेंट है ना, चेंज तो हुई होगी लेकिन बड़ी कम हुई है, तो कम को हम लोग इग्नोर करेंगे तो क्या कहेंगे कि ये कॉन्स्टेंट है। तो इसका मतलब यहां लिख दो अब इसको, इसका मतलब हम यहां पे लिखते, चलो इसको इंग्लिश में यहां पर लिख भी देते हैं ताकि तुम्हें याद भी रहे, है ना? नाउ हियर द रिस्टोरिंग फोर्स, ताकि तुम्हें याद रहे कि यहां पे वैल्यू सेम क्यों आई थी, हियर द रिस्टोरिंग फोर्स एफ विल रिमेन्स कॉन्स्टेंट फ्रॉम पी टू क्यू,
फ्रॉम पी टू क्यू। अच्छा क्यों? बिकॉज द डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल, ठीक है, द डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल। समझ आया भाई साहब? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बड़ी 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 छोटी है, बड़ी कम है, इसीलिए हमें कह सकते हैं कि यार चलो जी फोर्स की वैल्यू क्या आई होगी, सेम आई होगी, सही है। अच्छा अब मुझे बताओ, वर्क डन कितना आया होगा, मुझे बताओ वर्क डन। नाउ वर्क डन इन मूविंग द मास फ्रॉम पी टू क्यू, मास फ्रॉम पी टू क्यू कितना आया होगा बताओ, बोल सकते हो? यार सोचो, तुमने कितने से डिस्प्लेस किया, dx डिस्प्लेसमेंट की, फोर्स कितनी लग रही है, f फोर्स लग रही है, तो वर्क डन किसके बराबर आएगा यार, सिंपल सा तो है, dw, क्योंकि छोटा सा वर्क डन होगा, किसके बराबर होगा, f dx, यार सिंपल सा तो है, f dx, है ना। अच्छा f की वैल्यू क्या है, व्हाट इज dw, f की वैल्यू क्या अभी तो निकाली हम लोगों ने, kx dx लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं ना। अच्छा ये तो आया वर्क डन फ्रॉम पी टू क्यू, याद रखना इसी तरीके से पहले छोटा सा वर्क डन निकाल के बड़ा वर्क डन निकालते हैं, हर जगह पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए। हम ग्रेविटेशन की जब बात करेंगे ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने का टेक्निक यही होगी, याद रखना सेम टेक्निक होगी, बस फोर्स की वैल्यू को बदलेगी। यहां फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है, kx आ रही है ना, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू आएगी gmm1r2, बाकी टेक्निक पूरी सेम, थोड़ा सा सिनेरियो चेंज होगा, क्रक्स पूरा यही होगा। इवन के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जब निकालनी होगी हमको 12th क्लास में, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे, बस फोर्स की वैल्यू बदलेगी, टेक्निक बिल्कुल सेम, मतलब पूरा करक्स यही होगा, सेंट्रल आइडिया यही होगा। अब देखो यह है छोटा सा वर्क डन, आपको क्या करना था, आपने तो यह निकालना था ना कि मेन पोजीशन से पॉइंट पी तक पहुंचने में कितना वर्क डन लगा, मेन पोजीशन से पॉइंट पी तक पहुंचने में कितना वर्क डन लगा, हमें यह निकालना था। तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए करेंगे क्या, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद प्रॉपर लिमिट्स, है ना। सी में एक्स की पोजीशन की वैल्यू क्या है, जीरो, पी पॉइंट तक एक्स की वैल्यू क्या है, वही मतलब यहां से यहां तक लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट हो रही है एक्स, तो क्यों ना इसको इंटीग्रेट किया जाए, है ना। तो लिखूं, नाउ वर्क डन इन मूविंग द मास फ्रॉम कहां से कहां, सी टू पी इज कैसे निकलेगा, गिवन बाय, कैसे निकलेगा भाई, इंटीग्रेट करेंगे इसको हम, इंटीग्रेट डी डब्ल्यू, कहां से कहां, x इक्वल टू जीरो से कहां तक जाना है, x तक जाना है ना, मीन पोजीशन पे x की वैल्यू क्या आएगी, जीरो, पॉइंट b पे x की वैल्यू क्या है, वही x, तो क्या आएगा, kx dx। अब कुछ नहीं करना भाई साहब, सिंपल इंटीग्रेट करना है इसको हमने। देखो ये इंटीग्रेशन डिफरेंस कैंसिल, तो क्या आएगा, यहां लिख दूं, यहां आएगा w, यहां क्या आएगा, देखो k को बाहर लिख दूं, इंटीग्रेशन किसकी करनी है, जीरो से x तक, किसकी, kx, k को तो बाहर लिख दिया है ना, x dx, x की वैल्यू क्या पर पावर 1, तो फार्मूला बताया ना, क्या फार्मूला होता है, हाँ तो वही लिखेंगे यहाँ पे, W इज इक्वल टू के एक्स की पावर 2 डिवाइड बाई 2, है ना, x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1, कहाँ से कहाँ तक जाना है, जीरो से x तक जाना है, ठीक है जी। अच्छा देखो जगह कम है तो हम कैसे जगह बना रहे हैं अब, ठीक है। अब देखो तो W की वैल्यू क्या आएगी बताओ, ये 2 को भी बाहर निकाल दूँ क्या, चलो अब पहले अपर लिमिट डालेंगे, है ना, अपर लिमिट क्या है, x ही है, एक्स स्क्वायर आ जाएगा वापिस, फिर लोअर लिमिट डालेंगे वो जीरो आएगी, तो इसका डब्ल्यू क्या, वैल्यू क्या आई डब्ल्यू की, ये आई 1/2 के एक्स स्क्वायर, ये आई, यही तो वर्क डन होगा, यही तो होगा वर्क डन, और यही वर्क डन, यही वर्क डन एज अ पोटेंशियल एनर्जी बन के इस स्प्रिंग में, इस में स्टोर होने वाला है, इस बॉडी में, ये जो मास सस्पेंड किया हुआ हमने, ठीक है। इसका मतलब मैं यहां लिख सकता हूं, दिस वर्क डन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द बॉडी ऑफ मास, है ना, स्प्रिंग के साथ जो अटैच है, ठीक है, उसमें स्टोर होगा। तो फिर कितना आएगा बताओ, यहां लिख दो पोटेंशियल एनर्जी कहां पे बनी, पॉइंट पी पे बनी, कि कहां, किसकी बनी, स्प्रिंग की बनी, है ना, स्टोर किसमें हुई, बॉडी में हुई, कहां लिखेंगे, 1/2 के एक्स स्क्वायर लिखेंगे, यही तो इसका आंसर है ना, कितना आसान, ठीक है, समझ आ गया, कोई परेशानी इसमें, ऐसा लग रहा है बहुत कुछ लिखा हुआ है बट है बड़ा आसान है ये, है ना, पूरी अगर तुम कहानी समझोगे, एक एक स्टेप स्टेप वाइज समझोगे तो कुछ भी नहीं है ये। और ये तो मैं बता रहा हूँ सिर्फ स्प्रिंग के केस ही नहीं है, जैसे मैंने तुम्हें पहले बोला, आप जब भी पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे, ग्रेविटेशन की बात करोगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करोगे, तरीका यही होगा, सिर्फ फोर्स की वैल्यू बदलेगी और यहाँ पे थोड़ा सा सिनेरियो चेंज होगा, बाकी पूरा क्रक्स यही होगा, ऐसे निकालते हैं, पहले छोटा सा वर्क डन इंटीग्रेट करके पूरा सब पूरा वर्क डन, ठीक है, समझ आ गया। तो कितनी आएगी पोटेंशियल एनर्जी, 1/2 के एक्स स्क्वायर, सही है। अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे होल्ड होती है यहां पे,
कंजर्वेशन एनर्जी कैसे होल्ड होती है और वो कंजर्वेशन एनर्जी यहाँ पे हम कैसे बता सकते हैं उसकी बात करते हैं। ठीक है, मिटा दूँ उसको, चल रही है क्या वीडियो, देखते रहना, स्पेस आज कम है तो पता नहीं रुक ना जाए, मिटा दूँ। अब देखो कंजर्वेशन एनर्जी ये लिख दिया था, ऐसे देखने में लगता है बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये, बट अगर स्टेप स्टेप बाय समझोगे तो बहुत ईजी है ये, कहानी समझनी है बस इसकी, वो कहानी आपको याद रहनी चाहिए। अब समझो, अब देखते हैं कि कंजर्वेशन एनर्जी कैसे होल्ड होती है यहाँ पे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा होती क्या कंजर्वेशन एनर्जी बताना ज़रा, कि भाई साहब टोटल एनर्जी हर जगह सेम होनी चाहिए है ना, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मतलब अगर मैं टोटल एनर्जी निकालूँ पॉइंट सी पे वो भी उतनी आनी चाहिए, अगर मैं टोटल एनर्जी निकालूँ पॉइंट बी पे सेम आनी चाहिए, ए पे सेम आनी चाहिए, करके देखते हैं। चलो पहले पॉइंट बी पे निकालते हैं, चलो एट पॉइंट बी, तो पॉइंट बी पे पहले पता करें काइनेटिक एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट बी, भाई साहब तुमने स्प्रिंग को खींचा इधर, कहाँ गया ये बी पॉइंट, यहाँ ना, तो ये ना यहाँ तक जब पहुँचेगा तो रुकेगा ना, मीन एक्सट्रीम पोजिशन पर कोई चीज़ रुकती है ना, देखो पेंडुलम का देख लो, यहाँ से यहाँ पहुँचाया, रुका यहाँ पे एक्सट्रीम पोजिशन पर, इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी है, काइनेटिक एनर्जी क्या होनी है भाई, जीरो, जब वेलोसिटी नहीं है उसके पास तो काइनेटिक एनर्जी होनी क्या है भाई, सब जीरो होनी है ना। अच्छा और फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी भाई, एक्सट्रीम पोजिशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होनी है, मैक्सिमम, कैसे, देखो हमारे पास अभी तो निकाला हमने पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, क्या आया था, वन बाई टू के एक्स स्क्वायर, ये आया था ना, तो मुझे बताओ सी पोजिशन से अब डिस्टेंस कितना है बी पॉइंट तक, माइनस आर है, तो पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी कितना होगा, वन बाई टू के माइनस आर का स्क्वायर, तो भाई साहब आंसर क्या आया, वन बाई टू के आर स्क्वायर आया ना, यह आई होगी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, सही है ना। अच्छा टोटल कितनी आई होगी, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, टोटल एनर्जी होगी हाँ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी किसके बराबर आएगी, हाफ ऑफ के आर स्क्वायर। अब देखो हमारा क्वेश्चन ठीक तब होगा अगर पॉइंट ए पे भी यही आंसर आए, पॉइंट सी पे भी यही आंसर आए, तब हम कह सकते हैं कि भाई साहब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, अगर नहीं आता तो फिर तो प्रॉब्लम है। चलो देखते हैं एट पॉइंट, चलो पता करते हैं ए पे, ए पे बताओ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, भाई साहब वही वाली बात आ गई ना, काइनेटिक एनर्जी ए पे भी क्या होगी, रुका हुआ होगा यहाँ पे कुछ मोमेंट के लिए, आप सेकंड्स के लिए, तो इसका मतलब आंसर जीरो। अच्छा पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी ए पे, वही वाली बात है, वन बाई टू के एक्स स्क्वायर फार्मूला था ना, अब बताओ डिस्टेंस कितना है आर है, तो क्या आएगा के आर स्क्वायर, सही है ना। अच्छा टोटल एनर्जी कितनी होगी बताओ, हाँ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी कितनी आई, वन बाई टू के आर स्क्वायर, यानी कि अभी तक तो हमारी कहानी ठीक चल रही है। अब कौन बचा, पॉइंट सी बचा, अब सी पॉइंट पे एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी, सी पॉइंट पे चेक करें, सी पॉइंट पे मुझे पहले तो बताओ तुम पोटेंशियल एनर्जी कितनी, चलो इसकी बात करते हैं, मीन पोजिशन से भाई पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, वन बाई टू के एक्स स्क्वायर, अभी मीन पोजिशन से हटा ही नहीं है, तो फिर मेन पोजिशन में एक्स की वैल्यू क्या आई, जीरो, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे जीरो एट सी, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई, जीरो। अच्छा काइनेटिक एनर्जी कितनी आई होगी, मेन पोजिशन पे सोचो, इमेजिन करो, चलो पेंडुलम से ना थोड़ा सा इमेजिन करना आसान होता है इसलिए मैं बता रहा हूँ, देखो यहाँ गया, यहाँ से जब गुजर रहा है तो मैक्सिमम वेलोसिटी, तो इसका मतलब यहाँ पे इसके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होने वाली है। अब यहाँ पे ना ये इसको जो काइनेटिक एनर्जी मिल रही है बेसिकली ये भी उसी वर्क डन से मिलने वाली है, ये उसी पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन ही है ना, वही पोटेंशियल एनर्जी जो है उसी से तो वही तो कन्वर्ट हो रही है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, इसलिए यहाँ पे हम इसका ऐसे भी लिख सकते हैं कि भाई साहब काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए एट सी, देखो दिस काइनेटिक एनर्जी, ये जो काइनेटिक एनर्जी है मिली कैसे, एट द एक्सपेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वही पोटेंशियल एनर्जी खर्च हो रही है और क्या बना रही है, काइनेटिक एनर्जी बना रही है, इसीलिए हम यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला वन बाई टू एम बी स्क्वायर ना लिख कर कैसे लिख सकते हैं, वन बाई टू के आर स्क्वायर, क्यों, क्योंकि वही पोटेंशियल एनर्जी ही तो है जो कन्वर्ट हो रही है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में, जितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी उसके पास हुई होगी उतनी ज्यादा तेजी से यहां से निकलेगा, उतनी ज्यादा इसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना, दूर तक लेके जाओगे स्प्रिंग को तो जल्दी जल्दी आएगा, थोड़ा कम उसको पुल करोगे तो धीरे धीरे आएगा, इसका मतलब इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी आने वाली है एट द एक्सपेंस ऑफ दैट पोटेंशियल एनर्जी ही आने वाली है, इसीलिए क्यों ना इसका फॉर्मूला मैं ऐसे लिखूं, वन बाई टू के आर स्क्वायर राधर की वन बाई टू एम बी स्केयर लिखने के बजाय, लिख सकते हैं ना भाई, समझ आया, ये वाला पॉइंट है बस समझने वाला, लिख सकते हैं ना, ठीक है, तो इसका मतलब बताओ अब टोटल एनर्जी कितनी आई, वही वही काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा,
फिर वही नहीं आई 1/2 hour KRs के, इसका मतलब कंजर्वेशन एनर्जी यहाँ पे भी होल्ड होता है भाई साहब, है ना। अच्छा अगर ग्राफ बनाना हो इसका, जैसे पहले हमने ग्राफ बनाया था एक, है ना, तो कैसा बनेगा देखो, देखो मान लो ये मेन पोजीशन है, मान लो ये बी एक्सट्रीम पोजीशन है। अच्छा मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है ना, मान लो ये पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है ना मेन पोजीशन पे, एक्सट्रीम पे मैक्सिमम है ना, एक्सट्रीम पे मैक्सिमम। तो क्या से लिखूं उसको मैं, ये देखो क्या ये जो ग्राफ है, क्या ये इसको डेजिग्नेट नहीं कर रहा पोटेंशियल एनर्जी को? देखो एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम, मीन पोजीशन पे बिल्कुल कम जीरो, और दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे फिर मैक्सिमम। और अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, अगर ये काइनेटिक एनर्जी का बना दूं ग्राफ, क्या सही बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी वाला? एक्सट्रीम पे क्योंकि बॉडी रुकी हुई है तो जीरो, और देखो मीन पोजीशन पे मैक्सिमम और दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो। तो देखो ये आई पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ और ये आया काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। और टोटल एनर्जी कितनी है भाई साहब? देखो टोटल एनर्जी सेम, वो कांस्टेंट है, ये देखो ये वाला लाइन वो एक ऐसी है ना। तो जितनी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है उतनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, तो ओवरऑल आंसर सेम। तो ये आ गया इसका ग्राफ, समझ आया ग्राफ? दिस इज द मेन पोजीशन, दिस इज द एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है ये ए है, दिस इज द मेन पोजीशन, दीज टू आर द एक्सट्रीम पोजीशंस, ठीक है। मेन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम देखो ना, और यहां पे काइनेटिक एनर्जी जीरो तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, ठीक। तो ये आई इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो काफी अगर जहां तक मुझे लगता है जेके बोर्ड में पता नहीं था ये नहीं था क्वेश्चन, अगर बोर्ड में ये उसमें सिलेबस में है ना अगर ये क्वेश्चन, तो फिर उसी लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि यहाँ तो ये तो कंजर्वेशन एनर्जी भी आप इससे बता सकते हो। दूसरा बेनिफिट जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, इस क्वेश्चन की खास बात ये है कि यार इसमें जो टेक्निक हमने लगाई कि यार क्या निकालने के लिए, पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए, ये टेक्निक आपको बड़ी जगह काम आने वाली है। अगर इसको तुमने अच्छे से समझ लिया तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी समझते रहे बुरा बहुत आसान लगेगा तुम्हें, क्योंकि कहानी सारी सेम है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना बड़ा आसान लगेगा क्योंकि कहानी सारी सेम है, सिर्फ थोड़ा सा सिनेरियो चेंज होगा, बाकी क्रक्स बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट, इसके साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है।